आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस आर्किटेक्चर और डेटाबेस मॉडल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन, डेटाबेस क्या होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उसके अलावा हमने जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, हमने वो भी जाना। आज के क्लास में हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, फिर हम डेटाबेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डीबीएमएस आर्किटेक्चर में हम टोटल 3 आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। टोटल कितने आर्किटेक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं? 3 आर्किटेक्चर को। कौन कौन से हैं वो 3 आर्किटेक्चर? 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर, हम इनके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे 1 टायर आर्किटेक्चर देखने वाले हैं, तो आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर जो हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करे कि हमारा डेटाबेस किस तरह से दिखेगा, कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो क्या होता है? आर्किटेक्चर। अब 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस है ना, वो डायरेक्टली यूज़र को मिलता है। डेटाबेस डायरेक्टली यूज़र को अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे, जिस भी सर्वर पे, कंप्यूटर पे हमारा डेटाबेस स्टोर है, उसी कंप्यूटर पे, उसी सर्वर पे यूज़र को बैठा दिया जाता है और वो उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेता है। अब यूज़र उस डेटाबेस के अंदर जितने भी चेंजेस करेगा ना, वो डायरेक्टली उस डेटाबेस के अंदर चेंज हो जाएंगे। इतनी बात हमें समझ में आई कि 1 टायर आर्किटेक्चर में जो यूज़र है वो डेटाबेस को डायरेक्टली यूज़ करता है। अब ये जो 1 टायर आर्किटेक्चर है, ये यूज़ कहाँ पे होता है? तो देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है, ये लोकल एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अगर हम कोई लोकल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, लोकल मतलब जो हमारे ही फ़ोन में, कुछ ही फ़ोन्स में यूज़ होगी, ऐसे वर्ल्ड वाइड नहीं हो रही है वो, अगर उसमें हम यूज़ करना चाहे तब हम ये डेटाबेस को यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या हो कि हमें क्विक रिस्पांस मिले। क्या मिले हमें? क्विक रिस्पांस मिले। इतनी बात हमें समझ में आई कि 1 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है, ये इतना यूज़फुल नहीं है, ठीक है। अब आया उसके बाद 2 टायर आर्किटेक्चर। कौन सा आया? 2 टायर, या हम कहें कि आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कौन सा मॉडल आया? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या 2 टायर आर्किटेक्चर को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। सर्वर के पास डेटाबेस होता है और क्लाइंट के पास यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशंस होती है। क्या होती है? सर्वर के पास डेटाबेस स्टोर रहेगा और क्लाइंट के पास एप्लीकेशंस और यूज़र इंटरफेस स्टोर रहेगा, या हम कहें कि क्लाइंट पे वो रन करेगा। अब इसमें क्या है कि जो क्लाइंट की जो एप्लीकेशंस है, वो डायरेक्टली सर्वर के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। क्या करती है? वो डायरेक्टली एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करती है डेटाबेस के साथ। इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इंटरफेस की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे ODBC और JDBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये दोनों क्या है? API है, जो एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इतना हमने देखा कि 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट के पास यूज़र और एप्लीकेशंस रन करती हैं, सर्वर के पास डेटाबेस स्टोर होता है और वो API के थ्रू कम्युनिकेट करती है। अब यहाँ पे जो सर्वर साइड है ना, जहाँ पे डेटाबेस स्टोर है, वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कौन सी क्यूरी प्रोसेस हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही है, उनको मैनेज करना, ये सब जितनी भी फंक्शनलिटी होंगी ना, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? उन सब के लिए सिर्फ सर्वर साइड ही रिस्पॉन्सिबल
रहेगी। सर्वर साइड ही फंक्शनलिटी फंक्शंस को प्रोवाइड करवाएगी, उनको मैनेज करेगी। अब ये देखो कि जो DBMS है उसको एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वर साइड के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, JDBC या ODBC या कोई और API। अब हम देखते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर के बारे में। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर को इस डायग्राम से ही हम समझेंगे, इसको थ्री टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं। क्लाइंट और सर्वर यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, दो हो गए कंप्यूटर, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, क्या हो गए हमारे यहाँ पे, दो कंप्यूटर हो गए। अब जो क्लाइंट है, क्लाइंट साइड है, उस पर क्या रन होगा, यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशंस रन होंगी। लेकिन सर्वर के पास भी एक एप्लीकेशन रन होगी और डेटाबेस स्टोर होगा। मतलब क्या डिफरेंस हुआ इनमें, कि जो टू टायर था उसके अंदर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन थी जो क्लाइंट साइड पे रन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर साइड पर भी रन कर रही है और एक एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर भी रन कर रही है। मतलब इसमें क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता सर्वर के साथ। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे ऐड हो गई है। इतना हमने देखा क्या हो गई है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है। अब जो क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन है वो सर्वर साइड की एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगी, फिर वो सर्वर साइड की एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। एक बार इसको हम रब करके फिर से एक बार समझते हैं कि थ्री टायर क्लाइंट आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो देखो इसके अंदर क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट के पास यूज़र इंटरफेस है और एप्लीकेशन है, सर्वर के पास भी एप्लीकेशन है और डेटाबेस है। क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन सर्वर साइड की एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगी, कम्युनिकेट करा। उसके बाद जो सर्वर साइड की एप्लीकेशन है, सर्वर साइड की एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से डेटाबेस से कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। इतना हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए, जो यूज़र है उसको कोई आइडिया नहीं है कि जो एप्लीकेशन के बाद डेटाबेस है, ठीक है, यूज़र को नहीं पता कि एप्लीकेशन के बाद क्या है, डेटाबेस स्टोर है। उसी तरह डेटाबेस को भी नहीं पता कि यूज़र है एप्लीकेशन के बाद। मतलब जो एक नई लेयर ऐड हुई है उस लेयर की वजह से डेटाबेस और यूज़र को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा आर्किटेक्चर वन टायर, टू टायर और थ्री टायर। इतना आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब देखते हैं डेटा मॉडल के बारे में। डेटा मॉडल क्या होता है? देखो, जो डेटा मॉडल इज द मॉडलिंग ऑफ द डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा सिमेंटिक्स एंड डेटा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटा। मतलब मॉडल क्या होता है, जैसे हमें कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, हम क्या करते हैं, पहले उसका एक मॉडल तैयार करते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि बाद में कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। वैसा ही डेटा मॉडल यहाँ डेटाबेस में होता है। अब डेटा मॉडल यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट के अंदर ER मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रिकॉर्ड के अंदर रिलेशनल नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल आते हैं, फिजिकल के अंदर यूनिफाइंग और फ्रेम मेमोरी मॉडल आते हैं। तो इतना हमें पता चला कि डेटा मॉडल तीन टाइप के होते हैं और किस मॉडल में कौन सा टाइप जाता है। तो यहाँ देखो कि जो डेटा मॉडल है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेटा कैसे रिलेट करेगा एक दूसरे से, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सब कौन डिस्क्राइब कर रहा है, डेटा मॉडल डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब करता है, उनका रिलेशनशिप कैसे रिलेट करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब।
उसके अलावा जो डेटा मॉडल है वो ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर भी करेगा और ऑर्गेनाइज भी करेगा। सिंपली हम दूसरे शब्दों में समझे तो डेटा मॉडल क्या देता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा, एक आइडिया देता है कि हमारा डेटाबेस कैसा दिखेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या देगा हमें, एक आइडिया देगा। पर्पस ऑफ डेटा मॉडल, अब डेटा मॉडल का पर्पस है क्या, एक तो हमें आइडिया देना कि भाई हमारा डेटाबेस कैसा दिखेगा, उस दूसरा क्या है, टू कम्युनिकेट एंड स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना और हमारे कॉन्सेप्ट को क्या करना, स्पेसिफाई करना। इतना हमें समझ में आया कि भाई डेटा मॉडल का एक्चुअली में काम होता क्या है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट कुछ मॉडल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले आता है हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल मॉडल को आप इस डायग्राम के थ्रू समझिएगा, जैसे कॉलेज है उसकी दो ब्रांचेज है, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट की भी तीन ब्रांचेज है, कोर्स, टीचर और स्टूडेंट। ये पूरा क्या है, यहाँ पे मैंने एक कॉलेज की हिरार्की यहाँ पे बनाई है। तो इस हिरार्की में आप देखिए कि एक क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, मतलब एक पेरेंट या एक रूट है, फिर उसके चाइल्ड है, फिर उसके सब चाइल्ड है, मतलब पेरेंट चाइल्ड यहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। रूट हमेशा एक ही होगा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप है यहाँ पे। कौन सा रिलेशनशिप है यहाँ पर, वन टू मैनी, मतलब एक पेरेंट लेकिन बहुत सारे चिल्ड्रन। अब उसके बाद तीसरा, ये जो हिरार्की है ये एक ट्री के स्ट्रक्चर की जैसी होती है। किस तरह की होती है, ट्री के जैसी। 1970 में इसको प्रपोज किया गया था। एडवांटेजेस में क्या है, डेटा शेयर कर सकते हैं, सिंपल है, सिक्योरिटी देता है और वन टू मैनी रिलेशनशिप है। डिसएडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है, DDL और DML भी यहाँ पे नहीं होता, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लैंग्वेजेस के बारे में हम आगे देखेंगे। थर्ड डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ फिजिकल डेटा स्टोरेज, मतलब हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिजिकल डेटा स्टोरेज की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है रिलेशनल डेटा मॉडल। अब इस टेबल को देखो, क्या समझ में आ रहा है हमें कि इस रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर हमारा डेटा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होगा, और रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, टेबल, और टेबल में क्या होती है, रोज एंड कॉलम होती है। इस डेटा मॉडल को हम आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। अब देखो, इतना हमने समझा कि रिलेशनल मॉडल मतलब ग्रुप ऑफ टेबल्स, जिसके अंदर डेटा होगा उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाया जाएगा। ये टेबल कैसी होगी, तो ये टेबल टू डायमेंशनल होगी। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, डेटा इंटीग्रिटी देता है। इसका मतलब कि कोई भी यूज़र बिना ओनर की परमिशन के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। डिसएडवांटेज देखिए, इसके लिए हमें एक काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर, मतलब सभी कुछ काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। ईजी टू यूज़ है, लेकिन अगर कि यूज़र ने गलती से गलत डेटा एंटर कर दिया तो हमारा DBMS काफ़ी बैड DBMS बन सकता है। सिंपल है, सिंप्लिसिटी की वजह से ही कुछ यूज़र्स क्या करते हैं, अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी और डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है नेटवर्क डेटा मॉडल। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये एक स्टोर का डायग्राम है, स्टोर है, उसकी तीन ब्रांचेस, कस्टमर, मैनेजर, सेल्समैन, फिर ऑर्डर और आइटम्स। कस्टमर, मैनेजर, सेल्समैन तीनों ऑर्डर से कनेक्ट है, मैनेजर, सेल्समैन आइटम से कनेक्ट है। तो मतलब क्या समझ में आया, सबसे पहली बात तो ये समझ आई कि ये यहाँ पे जो डेटा है वो ग्राफ्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, और हिरारिकल में किस में था, ट्री की फॉर्म में था, और यहाँ पे ग्राफ की
फॉर्म में था। ठीक है, सेकंड क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। हिरारिकल में वन टू मैनी रिलेशनशिप था, मतलब एक ही पेरेंट, लेकिन इसमें मैनी टू मैनी हो सकता है। मल्टीपल पाथ है, मान लो हमें ऑर्डर को एक्सेस करना है तो आप कस्टमर वाला पाथ भी ले सकते हो, मैनेजर के थ्रू भी जा सकते हो और सेल्समैन के थ्रू भी ऑर्डर को हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के मल्टीपल पाथ है और ये क्या बना रहा है, एक नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, मोर देन वन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है यहाँ पे, इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी देता है और इसके अलावा DDL और DML भी इसके अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज मतलब कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा। स्ट्रक्चर इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर्स यूज होते हैं। सेकंड, अगर हम स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होती है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यू को स्टोर करते हैं किस में, इन वेरिएबल में, इंस्टांस वेरिएबल में। डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा। इस मॉडल को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे पाइथन, जावा। कब आया था ये, 1980 में। एडवांटेज क्या है, इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा भी और भी बहुत से एडवांटेजेस है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे आपके पास एक पेरेंट है और आप कितने उसके चाइल्ड बना रहे हो। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि जो यूज़र के लिए डेटा इररिलेवेंट है उसको हाइड कर देना। इनकैप्सुलेशन मतलब रैप अप द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड फंक्शन टूगेदर, डेटा और फंक्शन को एक साथ रैप करना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आप एक चीज़ को कई तरह से देख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी कम होती है और हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पावरफुल सिस्टम चाहिए। लास्ट है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये एक ग्राफिकल अप्रोच है। क्या है ये, एक ग्राफिकल अप्रोच है। इसके अंदर हम डायग्राम्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एंटिटी रिलेशनशिप है वो क्या है, वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती है। एंटिटी रिलेशनशिप क्या डिस्प्ले करती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे स्टूडेंट, कोर्स, कार, फ्रूट, एनिमल, ये सब क्या है, एंटिटी है। और अब इस एंटिटी स्टूडेंट के बारे में हमें और जानना है इनके बारे में, तो वो सब क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स, जैसे उसकी ID क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स। और रिलेशनशिप क्या होता है, अगर हमें किन्हीं दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को कनेक्ट करना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, उनके बीच में एसोसिएशन, वो क्या करवाएगा, वो क्या कहलाता है, एंड रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप देखो चार टाइप के होते हैं, वन टू वन मतलब कि एक एंटिटी से एक एंटिटी ही कनेक्ट करेगी, वन टू मैनी, वन टू मैनी का आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट काफ़ी सारे कोर्सेज में एनरोल कर रहा है, मैनी टू वन मतलब कि बहुत सारे कोर्सेज में एक स्टूडेंट एनरोल कर रहा है, मैनी टू मैनी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर रखा है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से शो करते हैं और रिलेशनशिप को डायमंड से शो करते हैं। लाइन यहाँ पे कनेक्टर है, ठीक है। एडवांटेजेस देखें तो सिंपल है। कब सिंपल है, अगर आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट के रिलेशनशिप के बारे में पता है तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो।
सेकंड, डायग्राम के फॉर्म में है इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे कोई डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता और हाई लेवल का डिज़ाइन है। तो ये थे आज की हमारी क्लास। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा।